Hey guys, welcome back to my channel Beauty Melange, and I am back with another new very interesting video. And this video, just as I promised you, इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इफ़ेक्टिव स्किन केयर रूटीन बिल्ड किया है। लगभग कुछ ऐसा रूटीन मैं पहले भी फॉलो करती थी जब मुझे स्किन टैनिंग की बहुत प्रॉब्लम थी। आपको पता होगा 4-5 ईयर्स बैक मुझे आई हैड दिस वेरी डिफ़िकल्ट टैन। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस शेयर किए हैं आपके साथ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया क्या नहीं किया, सब कुछ शेयर किया है। बट सब कुछ शेयर किया है तो फिर ये वीडियो क्यों? बिकॉज़ आप लोगों के कमेंट से मुझे लगा कि आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, एज इन कौन कौन से प्रोडक्ट्स कब यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स परचेज़ करूँ, कौन कौन से नहीं करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक बहुत ही सिंपल येट बहुत ही इफ़ेक्टिव एक कंप्लीट स्किन केयर रूटीन शेयर कर दूँ ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना रहे एंड आप सिंपली बस ये रूटीन फॉलो कर पाओ। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सिंपल रूटीन से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। बस आप पूरी वीडियो ध्यान से देखो और समझो। तो चले वीडियो स्टार्ट करें। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन मैं हमेशा एकदम सिंपल रखती हूँ क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिलता है। आई एम श्योर आप में से भी बहुत जन वर्किंग वुमेन हो या फिर स्टूडेंट हो, इवन अगर आप सिर्फ हाउसवाइफ भी हो फिर भी कितना काम रहता है ना। आई नो कितना कुछ संभालना पड़ता है, पूरा घर संभालना पड़ता है। येस आई नो, आई अंडरस्टैंड। तो इसलिए हम मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एकदम सिंपल ही रखेंगे, सिंपल बट इफ़ेक्टिव। सबसे पहले फेस को बहुत अच्छे से वॉश करना है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। पानी से भी वॉश करोगे तो चलेगा, सिंपल पानी से वॉश कर लो, बहुत हो गया है। मॉर्निंग में फ़ेस वॉश यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हो बट इट्स नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट स्टेप, ओके, दिन भर हमारी स्किन डस्ट, धूप, पल्यूशन, हीट, क्या कुछ नहीं फेस करेगी, राइट? तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ एक बहुत ही नरिशिंग एंड हाइड्रेटिंग कोई टोनर या फिर एसेंस। सो फॉर दिस रूटीन आई एम यूजिंग दिस कॉजरेक्स स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस। ये एसेंस मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि ये हाइड्रेटिंग भी है बट एट द सेम टाइम स्किन को, एटलीस्ट मेरी स्किन को, ज़रा भी ऑयली या फिर ग्रीजी फील नहीं देता है। एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी वेरी नरिशिंग फॉर द स्किन ऑल्सो। ऑल राइट, नेक्स्ट आई अप्लाई अ सीरम। एंड येस, यू गेस्ड इट, अब विटामिन सी सीरम। ओके, विटामिन सी सीरम का स्किन टैन के साथ क्या कनेक्शन है? ओके, सो मैंने पर्सनली नोटिस की है कि एक अच्छा विटामिन सी सीरम बहुत ही इफ़ेक्टिवली एंड बहुत ही फास्ट मेरी स्किन को ब्राइटन अप करता है। टैन, पिगमेंटेशंस, स्किन डिस्कलरेशंस अगर कुछ है तो वो भी बहुत जल्दी फेड कर देता है एंड एक ओवरऑल ब्यूटीफुल एंड हेल्दी ग्लो लाता है। एंड आपको पता होगा शायद कि विटामिन सी अलॉन्ग विथ सनस्क्रीन provides really good and thorough sun protection. So yeah, vitamin C. I love vitamin C. Okay, ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी वही यूज़ करो। No, not necessary. आप अगर आपका कोई ऑलरेडी फेवरेट विटामिन सी सीरम है तो आप वही यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वट एवर वर्क्स फॉर यू। सो रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस फॉक्सटेल विटामिन सी सीरम। ऑनेस्टली मैंने इसको परचेस किया था सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिव्यू करने के लिए, बट आई थिंक इट्स क्वाइट गुड, एंड आई एम लविंग दिस सीरम। अफोर्डेबल एंड गुड, एंड इसका एक रिव्यू मैं कर चुकी हूँ जो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। आफ्टर विटामिन सी एक और स्टेप है जो मैं विंटर सीजन में तो फॉलो करती हूँ बट समर में मुझे ज़रूरत नहीं होती है। आई यूज़ अ मॉइस्चराइज़र। आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है एंड अगर आपका जो सनस्क्रीन है वो काफ़ी मॉइस्चराइजिंग भी है, इन दैट केस आपको अलग से मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी प्रोबेबली। एंड नेक्स्ट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के लिए आई हैव 2 ऑप्शंस टुडे। एक है The Minimalist SPF 50 PA++++ sunscreen, and the other one is Beauty of Joseon Sun Relief sunscreen SPF 50 PA++++। ये जो PA++ है, ये जो PA रेटिंग है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली जिनको स्किन टैन है उनके लिए, क्योंकि एक हाई PA रेटिंग सनस्क्रीन ही है जो आपके स्किन को एफिशिएंटली सफिशिएंटली प्रोटेक्ट करता है सन डैमेज से एंड स्किन टैन को प्रिवेंट एंड रिड्यूस भी करता है। तो इसलिए अगर आपको ऑलरेडी स्किन टैन है तो प्लीज़ चूज़ अ सनस्क्रीन विद एटलीस्ट अ PA++++ रेटिंग। एडिशनली ये दोनों सनस्क्रीन्स मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि दोनों सनस्क्रीन्स में नाइसिनामाइड प्रेजेंट है जो कि एक स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट है। तो इसके लिए स्पेशली जिनको टैन है उनके लिए ये दोनों सनस्क्रीन्स बहुत ही सूटेबल है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहे हैं दोनों के दोनों सनस्क्रीन्स। तो दोनों में से मैं यूज़ करूँगी ये ब्यूटी ऑफ जोसॉन सनस्क्रीन क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है बस, बट बोथ आर वेरी गुड एंड इफ़ेक्टिव। तो आप देख सकते हो कि कितना सिंपल रूटीन था, कितने सिंपल प्रोडक्ट्स यूज़ किया है मैंने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में। 3 to 4 सीरम्स, 6-7 प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा भी वेस्ट, टाइम वेस्ट, ऊपर से आपको स्किन इरिटेशन भी हो सकता है। ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने से अच्छा है गुड क्वालिटी इफ़ेक्टिव बट कम प्रोडक्ट्स यूज़ करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ दिन में सनस्क्रीन अप्लाई करना मत भूलना। एंड अगर आप कंटिन्यूअस सन में हो, डायरेक्ट सन में हो, तो फिर सनस्क्रीन को एवरी 2 आवर्स रीअप्लाई करना भी प्लीज़ मत भूलना। So this was the part 1 of my skincare routine for tan removal video. Part 2 में मैं share करूँगी the night time skincare routine for effective tan removal जो कि थोड़ा और complicated है, थोड़े और ज़्यादा products use होंगे। तो अगर आपको part 2 भी चाहिए तो फिर please नीचे comments में बताओ। अगर आपके comments आए तो फिर मैं अपना night time routine भी share कर दूँगी। So thank you for watching this video. I'll see you soon with my very next video. For now, bye bye. Take care. Love you.